दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी थी, जिसमें बिजली के दाम आधे होंगे, पानी मुफ्त मिलेगा, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल गार्ड तैनात करेंगे, जैसे कई वादे किए थे। आज दिल्ली सरकार को बने करीब 16 महीने हो गए हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है, कहाँ गए तेरे वादे? आइए सुनते हैं दिल्ली की जनता को। कोई वादे पूरे नहीं करे केजरीवाल जी ने। वाईफाई का वो था, वाईफाई का कोई नहीं करा है उन्होंने। वो से बोल रखे वादे करे थे, कोई वादे मेरे हिसाब से तो कोई पूरे करे नहीं। हमारे लिए वाईफाई ज्यादा था, वाईफाई है ही नहीं। वादे ही करते हैं, काम कोई नहीं करता। केजरीवाल ने मानते हैं ऐसा नहीं है, दिल्ली में कुछ किया नहीं। तो ऐसा कुछ लगता नहीं जो केजरीवाल जी पूरे करे हो, वाईफाई फ्री हो जाएगा कि ये ऐसा हो जाएगा कि ये चीज फ्री हो जाएगी, मुझे तो कोई समस्या का समाधान कुछ लगा नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, पूरा कुछ नहीं हुआ। वाईफाई बोली थी फ्री करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। गरीब आदमी परेशान हो रहा है हर चीज़ से, कोई लाभदायक ही नहीं किया उन्होंने। अभी कुछ कर रहे हैं बाद में, सारी फ्लॉप है इनको, और हो सकता है दोबारा चुनाव में भी नहीं आए। हम इनके वोटर हैं यहाँ के नई दिल्ली क्षेत्र से ही, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता। जो काम करने वाले उनके साथ हमें यही कर रहे, कोई देख नहीं रहे। रेली पटरी को भी भगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनकी समस्या ठीक ठाक नहीं चल रही। विधानसभा भी उन्हीं की है, उसके बावजूद यहाँ पर बावजूद भी इसके चलते काम इनका ठीक से नहीं चल रहा है। यहाँ के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं है, क्षेत्र में कुछ उन्होंने किया हो कहीं से। आपने सुना किस तरह से झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास या पॉश इलाकों के लोग किस तरह से अरविंद केजरीवाल से दुखी हैं, मगर केजरीवाल जी अपनी किस्मत अजमाने अब गोवा और पंजाब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है क्या गोवा पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।